सलामकम दोस्तों कैसे हैं आप सब मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ हम लोग जो पॉइम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ द प्रोलॉग टू दैंटबरी टेल्स जिसको लिखने वाले हैं सर जेफरी चोसर और ये इनकी एक इम्पॉर्टेंट पोइम है अब तक हम लोग इस पोइम की टेक्सट नंबर फाइव एटी एट तक लाइन्स को डिस्कस कर चुके हैं आज के लेक्चर में हम लोगों ने लाइन नंबर फाइव एटी नाइन से अपनी पोइम को स्टार्ट करना है प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने म्यूंसिपल के करेक्टर को डिस्कस किया था आज के लेक्चर में हम लोग रीफ के करैक्टर को डिस्कस करने वाले हैं अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं सुने तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि पहले आप वो सुन लें ताकि आप प्रॉपर वे से सीक्वेंस से सारी पोएम को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सके मैंने एक प्रॉपर प्ले बनाई हुई है द प्रोलॉग टू द कैंटम्बरी टेल्स उस प्ले के अंदर आपको इस पोएम के जितने भी करैक्टर्स हैं वो सब के सब सीक्वेंस से मिल जाएंगे एनी हाउ विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल मिनट जो हमारे आज का लेक्चर है वो करते हैं शुरू चौसा कहता है हमारे साथ इस पिलग्रमज के अंदर एक जगीरदार एक ऐसा आदमी जिसकी ज़मीनें ही ज़मीनें थी उसकी रिखवाली करने वाला रीफ भी था रीफ एक था, बहुत ही थिन यानी कि पतला और इरिटेबल मैन था ठीक है बहुत इरिटेबल मैन था इसकी बियर्ड जो थी वो शेव थी और इतनी शेव हुई थी जितनी इसकी शेविंग हो सकती थी इसके जो बाल थे वो इसके कानों तक कटे हुए थे इसके जो सर के ऊपर यानी कि जो उसका हेड था उसके बाल थे वो तकरीबन छोटे छोटे कटे हुए हुए थे बिल्कुल प्रीस्ट की तरह इसकी टांगे लंबी और पतली थी इतनी पतली थी कि उसकी जो काफ होती है वो भी नजर नहीं आ रहा था जिस वजह से इसकी टांगे एक स्टिक की तरह डंडे की तरह लग रही थी एक जगह बनी होती है जिसको ग्रेन बिन भी कहते हैं और कॉर्न बिन भी कहते हैं जहाँ पे जो अनाज वगैरह होता है उसको स्टोर किया जाता है तो कहते हैं इसने बड़े ही अच्छे तरीके से जो अनाज था और कॉर्न था उनको कॉर्न बिन के अंदर यानी कि उस जगह के अंदर स्टोर किया हुआ था मैनेज किया हुआ था और जो कुछ ये करता था इसके ऊपर कोई भी चेक एंड बैलेंस रखने वाला नहीं था मतलब अगर ये वहाँ पे कोई मिस अप्रोप्रिएशन कर रहा है चीज़ों का गलत यूज़ कर रहा है तो इसके ऊपर कोई भी ऑडिटर नहीं है जो इसके ऊपर चेक एंड बैलेंस रख सके अगर कोई ड्राई सीज़न होता या रेनी सीज़न होता तो ये बड़ी ही एक्यूरेटली जो इसके लैंड ऑनर था उसकी जो सीड्स थी उसके जो ग्रेन थे उनको यील्ड करता था उनको प्रोड्यूस कर लेता था जो उसका फ्यूडर लोड था उसके जो शिप कैटल डेयरी स्वाइन हॉर्स स्टोर पोल्ट्री सब कुछ सब कुछ इसकी मैनेजमेंट के अंदर आते थे सब कुछ एक खुद संभाल रहा था इसके जो माइनर लॉर्ड हु वॉज एट द एज ऑफ ट्वेंटी ठीक है जो बीस साल का था अब क्या ड्यूटी थी रीफ की रीफ की ड्यूटी थी कि जितने भी इसने जो काम कर रहा है उसके एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करे और उसके डॉक्यूमेंट्स बना के उसके प्रॉपर अकाउंट्स बना के जो इसका लोड है उसको प्रेजेंट करे अब इसके अंडर तो अकाउंट्स थे ना जिन अकाउंट्स के अंदर जो जो हो रहा है सब कुछ इसने अपने को प्रेजेंट करना था लेकिन ऑन द अदर हैंड ये रिव इतना चलाक था कि इतनी चलाकी से जो अकाउंट के अंदर पैसा था जो चीजें थी उसको बड़े ही तरीके से मिसअप्रोप्रिएट वे में यानी कि गलत इस्तेमाल कर लेता था उसका और कोई भी इसकी जो गलत इसने इस्तेमाल किया था उन अकाउंट्स का कोई भी आदमी ऑन अर्थ डिटेक्ट नहीं कर सकता था और इसके अलावा दुनिया में कोई भी ऐसा आदमी नहीं था कोई सर्वेंट कोई फ्रॉड मैन कोई बालिव कोई हर्ड्समैन ठीक है जो कोई भी फ्रॉड करते थे या कोई भी ट्रिक करते थे ये रीव उनका फ्रॉड या ट्रिक ना जानता हो मीज टू से कोई भी बालिफ हर्ड्समैन सर्वेंट या कोई भी हो वो अगर फ्रॉड या ट्रिक्स करते थे तो ये रीव उनके वो सारे फ्रॉड्स और ट्रिक्स को जान लेता था अच्छे से लोग इस रीफ से इतना डरते थे जितना कि कोई अपनी मौत से डरता हो इसने अपने लिए एक बहुत ही प्लेजेंट प्लेस बनाई हुई थी जिसके ऊपर ग्रीन ट्रीज भी इसने लगाए थे ये अपने लोड से भी ज़्यादा बेहतर परचेजेस कर सकता था और इसने सीक्रेटली बहुत से रिच स्टोर्स भी रखे हुए थे और अपने ही लॉर्ड की अपने ही फ्यूडल लॉर्ड की जो चीज़ें थी उनको चुरा के अपने लॉर्ड को ये गिफ्ट दिया करता था और अपने लॉर्ड को ये खुश किया करता था तो ये जानता था कैसे अपने लॉर्ड को खुश करना है इसने उन्हीं की दी हुई या उन्हीं की पड़ी हुई चीजों को उठा के उनको गिफ्ट देकर और जब भी अपने लॉर्ड को गिफ्ट देता था तो उस बेस पे इसका लॉर्ड इसको थैंक्स भी कहता था और एज अ रिजल्ट इसने इसको एक दफा कॉर्ड भी गिफ्ट किया एक हुड भी गिफ्ट किया एज अ रिवॉर्ड कहते इस रीव की यूथ की बात की जाए तो अपने यूथ के अंदर इसने एक अच्छी क्राफ्ट्समैनशिप सीखी थी और एज अ कारपेंटर ही वाज अ वेरी गुड वर्कमैन ये बहुत अच्छा वर्कमैन था ये रीव एक स्टैलियन पे बैठा था स्टैलियन बेसिकली एक मेल घोड़े का नाम है जिसका नाम इन्होंने इसने रीव ने स्कोट रखा हुआ था इसके अलावा इस रीव ने एक लॉन्ग ब्लू अपर कोट पहना हुआ था और अपने एक साइड पे इसने रस्टी जंग लगी तलवार रखी हुई थी सर कहता है ये रिफ जिसके बारे में आपसे बात कर रहा हूँ ना ये नोर फॉक से बिलोंग करता था जो कि बर्डसवेल के बिल्कुल पीछे था बर्डसवेल एक टाउन का नाम है फिर चोसर कहता है इसके पास फ्रायर की तरह का एक ओवर कोट था वो ओवर कोट को इसने अपने बेल्ट के नीचे फोल्ड किया हुआ था और हमारे करवान के अंदर जो जो लोग पिलग्रेम थे जा रहे थे ये उन सब के अंदर बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता चलता था ठीक है ये हो गया रीफ की जो करेक्टर हमने पढ़ना उसकी पैराफ्रेजिंग का हम टेक्स्ट को डिस्कस करते हैं द रीफ वॉज अ स्कैंडर क्लोरिक मैन स्कैंडर मतलब स्लेंडर स्लेंडर कहते हैं ग्रेटफुली थन थिन ठीक है एक बहुत ही थिन मैन था क्लोरिक मतलब इरिटेबल इरिटेबल आदमी था जो रीफ था वो बहुत ही इरिटेबल और थिन आदमी था हिज हेर वॉश शेव एज ने एज एवर ही कैन कहते हैं इसकी दाढ़ी जो थी वो शेव हुई हुई थी इतनी जितनी की खर्च की जा सकती थी हिज हेयर वॉश बाय

full long वर हीज leg एंड full lean lean मतलब पतली long मतलब लंबी कहता है इसकी जो टांगे थी वो पूरी लंबी और पतली थी ये लाइक अ स्टाफ देयर वाज नो काफ ये सीन कहता है स्टाफ मतलब स्टिक की तरह एक स्टिक की तरह थी कि इसकी जो उसके काफ थी वो भी नजर नहीं आ रही थी काफ कहते पिंडली को वेल कुड ही कीप अ ग्रेनर एंड अ बायन ये बड़े अच्छे से जानता था कैसे ग्रेन को और जो प्स है उनको जो कॉर्न है उनको कॉर्न बिन के अंदर संभाल के रखना यानी कि वो जगह जहां पे अनाज को स्टोर किया जाता है देर वॉज नोन ऑडिटर कुड नॉन हिम कहता है इसके ऊपर कोई भी ऑडिटर नहीं था जिसके ऊपर चेक एंड बैलेंस रख सकता था ठीक है यानी कि जो भी मिसअप्रोप्रिएशन कर रहा था जो भी गलतियां गलत कर रहा था गलत इस्तेमाल कर रहा था चीजों का कोई भी इसके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखने वाला नहीं था इसकी लाइन नंबर स्टार्टिंग से लेकर ये सीन तक ठीक है काफिया सीन तक यहाँ तक ये लाइन इंपॉर्टेंट है अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर वेल विशड ही बाय द ड्राउट एंड बाय द रेन कहता अगर ड्राई वेदर होता या रेन सीजन होता इन दोनों में से कोई से सीजन होता ये बड़े अच्छे से जानता था कैसे इसने एप्रोप्रिएटली एक्यूरेटली वे में जो जो सीड हैं जो ग्रेन है उनकी यील्डिंग करनी है ठीक है द यील्डिंग ऑफ हिज सीड एंड ऑफ हिज ग्रेन अपने सीड की और अपने ग्रेन की ये किसका है इसके लैंड ओनर का ठीक है ये फ्यूडल लोड का जहाँ पे ये काम कर रहा है कि उसके सीड और उसके जो ग्रेन्स हैं उनको किस तरह से प्रोड्यूस करना है हिज लोड शिप हिज नीट हिज डेरी डेरी हिज हिज हॉर्स हिज स्टोर एंड हिज पोल्ट्री वॉज होली इन दिस रि गर्निंग कहता इसके जो लोड की शिप थी इसके लोड की कैटल थी डेरी थी स्वाइन था हॉर्स स्टोर पोल्ट्री सब कुछ सब कुछ इस रीव के मैनेजमेंट के अंदर आता था एंड बाय हिज कन्वेंट या एक्टिंग, कन्वेंट कहते हैं एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट को याफ मतलब देना रैक्निंग मतलब अकाउंट्स कि इसका एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट था और इसने जितने भी अकाउंट्स की इन्फॉर्मेशन थी वो देनी थी किसको सिंथ दैट लॉर्ड वाज ट्वेंटी इयर्स ऑफ एज वो लॉर्ड जो कि बीस साल का था इससे छोटा था उसको कि इसने जो भी अकाउंट्स हैं उन अकाउंट्स की जो भी रिपोर्ट्स है सबके सब जो लॉर्ड है उसको प्रेजेंट करनी थी दे कुड नो मैन ब्रिंग हिम इन अरेन्ज कहते यहाँ पे कोई भी ऐसा आदमी नहीं था जो इसकी मिसअप्रोप्रियशन को जज कर सकता जो इसकी मिस अप्रोप्रिएशन को डिटेक्ट कर सकता कि इसने कितनी करप्शन की है कितना पैसा निकाला है अपने जो वे लोड है उसके पैसों में से देन देयर nice ने हड नोर ऑर् हाइन बलिफ कहते हैं स्टीवेड को जो कि लैंड का स्टीवड होता है हेड मतलब हर्ड्समैन और उसके बाद हाइन मतलब एक फॉर्म सर्वेंट कहते हैं यहाँ पे कोई भी ऐसा लैंड स्टेव ऐसा कोई भी हर्ड्समैन कोई भी सर्वेंट नहीं था जिसके जो फ्रॉड्स थे जो ट्रिक्स थे वो ये ना जानता होता है नहीं, नहीं।, नहीं जानता था ही स्लाइट एंड ही कोवेन को मतलब फ्रॉड और स्लट मतलब आर्टफुल ट्रिक

बैठता है जो का इसको अंडर आई है।, he could better than his कहता है ये अपने लोड से ज्यादा बेहतर परचेजिंग कर सकता है और करता भी है फुल रिच ही वॉज अ स्टोर्ड प्रेवरली कहते हैं प्रेवरली मतलब सीक्रेटली कि इसने सीक्रेटली किसी को नहीं पता अपने काफी रिच स्टोर भी बनाए हुए हैं हीज़ लोड वेल वेल गुड ही प्लेजेंट सबली कहते हैं बेहतर से जानता है कि किस तरह से अपने लोड को खुश करना है और ये लोड को खुश किस तरह से करता है अपने ही फ्यूडल लोड का जो उसकी पोजेसन में चीज़ें हैं वो उठा उठा के अपने ही लोड को गिफ्ट करता है टू तो ये वन एंड लेन हिम ऑफ हीज़ ओन गुड इसकी ही इसकी ही चीज़ें उठा कर उसको वो क्या करता है उसको ये गिफ्ट करता है एंड हैव अ थैंक फिर क्या मिलता है इन रिस्पॉन्स जो इसका लोड है उसको थैंक यू कहता है एंड अ कोट एंड हुड और उसने इसको एक कोट और एक हुड भी दिया हुआ है एंड देन इन यूथ ही हैड लर्नड अ गुड मास्टर कहता जब ये जवान था यूथ में था तो इसने जो कारपेंटरशिप थी वो सीखी हुई थी मास्टर मतलब काफी महारत रखता था काफी अच्छा वर्कमैन था ही वाज अ वेल गुड राइट अ कारपेंटर ये काफी अच्छा कारपेंटर था काफी अच्छा इसने क्राफ्टमैनशिप सीखी हुई थी दिस रीव सेट अपॉन अ फुल गुड स्टोर्ट ये एक बहुत अच्छे घोड़े पर बैठा हुआ था स्टोर्ट वो स्टैलियन घोड़ा था जिसका नाम था स्टैलियन और वो एक मेल घोड़ा था जिसका नाम इसने स्कोट रखा हुआ था दैट वॉज ऑल पॉम्ली ग्रे जो कि ग्रे कलर में था एंड हाइट स्कोर्ट और इसका नाम स्कोट था अ लॉन्गर कोट ऑफ पर्स अपॉन ही हैड इसने एक लंबा कोट पहना हुआ था किसने हमारा जो रीव है उसने इसने एक लॉन्ग और ब्लू कलर का अपर कोट पहना हुआ था एंड है एंड बाय ही साइड ही बार अ रस्टी ब्लेड कहता है और इसने अपने एक साइड के ऊपर एक रस्टी ब्लेड रस्ती स्वॉर्ड लटकाई हुई थी ऑफ नॉर्थ फोक वॉज दिस रीफ ऑफ विच आई टेल कहता है जिस रीफ के बारे में बात कर रहा हूँ ये नॉर्थ फोक से बिलोंग करता है बिसाइड अ टाउन मैन क्लेपन बेल्टशल जो कि एक टाउन के बिल्कुल पीछे है उस टाउन का नाम है बेल्टवेल ठीक है टग ही वॉज एज फ्री फेयर अबाउट कहता है इसने अपना जो कोड था वो टक किया डबल किया हुआ था जैसे कि फ्रायर ने किया होता है एंड एवर ही रोड द ऑफ द ओवर रूट कहता और जब भी अपना घोड़ा चलाता था हमारे कारवान के अंदर तो ये सबसे पीछे पीछे हंड्रेड्स मतलब हंडर मोस्ट सबसे पीछे पीछे ये आता था ठीक है यहाँ पे हमारी हो गई है ये एंडिंग तो आई होप कि आपको ये जो लाइन्स हैं क्लियर हो चुकी होंगी लाइन नंबर सिक्स ट्वेंटी फोर तक हम लोगों ने पॉइंट को डिस्कस कर लिया है नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लाइन नंबर सिक्स ट्वेंटी फाइव से अपनी पॉइंट को डिस्कस करेंगे जिसमें हम लोग समनर का करेक्टर डिस्कस करने वाले हैं थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अल्लाह हाफ़िज